हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज आपके लिए लाया हूं राग जोग की एक तीन ताल की बंदिश। जानी पहचानी बंदिश है, बहुत लोगों ने इसको गाया हुआ है। आप YouTube पे सुनेंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर कलाकारों ने गाई हुई आपको मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी बंदिश है और ये राग जोग भी बहुत अच्छा और फेमस राग है, आधुनिक राग है, बहुत प्राचीन राग नहीं है। प्राचीन शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ये नया राग होते हुए भी बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा राग है, स्वीट राग है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकारों ने इस पर अच्छी अच्छी बंदिशें गाई हुई हैं। तो तीन ताल में हम इसकी बंदिश सुने और समझें। इससे पहले राग जोग का थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे दूं। राग जोग जो कि खमाज थाट का राग है और ओड़ो जाति का राग है, यानी इसमें पांच स्वर लगते हैं। इसमें रे और ध पूर्णतया वर्जित है, सिर्फ पांच स्वर लगेंगे, सा ग म प नि सा सा नि प म ग सा। रे और ध वर्जित है, लेकिन इसमें ग दोनों लगेंगे, कोमल और शुद्ध दोनों गंधार लगेंगे, और आरोह में शुद्ध ग और अवरोह में कोमल ग लगेगा। ये एक गंभीर प्रकृति का राग है और इस राग में दोनों गंधार आसपास भी लिए जा सकते हैं, ग के बाद ग, शुद्ध ग के बाद तुरंत कोमल गंधार भी लिया जा सकता है। इसका आरोह अवरोह और पकड़ मैं आपको पहले सुना देता हूँ। आरोह है आरोह अवरोह, और खमाज का मेल रात्रि दूसरे प्रहर में राग जोग से खेल। रात्रि का दूसरे प्रहर में गाया जाने वाला ये राग है, गंभीर प्रकृति का दीर्घ गंभीर राग है, लेकिन इसमें उछल कूद वाली ताने भी बहुत अच्छी लगती है और इसमें गाई बजाई जाती है। तो इस राग की तीन ताल में एक बंदिश हम सीखें, उससे पहले पूरी बंदिश बांसुरी पे बजा के देख लेते हैं कैसी लगती है। ये बांसुरी हम बजाएंगे स्केल ए शार्प यानी बी फ्लैट यानी काली पांच, और इसका ताल है तीन ताल 16 मात्रा का और इसकी स्पीड है 140 बीट्स पर मिनट। Thank you.
ताल में ही इस बंदिश के शब्द देख लेते हैं, स्वर भी गा लेते हैं, बाद में एक एक लाइन की नोटेशन आपको समझाएंगे। 1 2 3 4 के साथ शब्दों के साथ स्लोली समझते हुए। तो पहली लाइन है सा जन मोरे घर आवे, सा जन समगम ग सा, पहला ग शुद्ध है, दूसरा ग कोमल है, समगम ग सा मोरे घर सा नी ग सा सा आ, सम ग सा नी ग सा नी प नी सा ग म। दूसरी लाइन में थोड़ा वेरिएशन, म ग सा सा जन, पहली लाइन में क्या था सा जन सम ग म ग सा, अब दूसरी लाइन में म ग सा सा जन मोरे घर सा नी ग सा सा, म ग सा सा नी ग सा सा नी प नी सा ग म, म ग सा सा नी ग सा 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 जन मोरे घर
दूसरी लाइन आत्मन सुख पावे, आत्मन सुख पावे, ग ग ग ग म प म ग म ग सा, ग ग ग ग म प म ग म ग सा, आत्मन सुख पावे। ग ग ग ग म प म ग म ग सा, म ग सा सा नी ग सा सा नी प नी सा ग म, म ग सा सा नी ग सा 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 जन मोरे गरया, म ग सा सा नी ग सा 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 जन सम ग म ग सा मोरे घर सानी ग सा सा आ। अंतरा मंगल गावो चौक पुरावो ग म प सा सा नि सा नि प म नि प, ग म प सा सा नि सा नि प म नि प, मंगल गावो चौक पुरावो। अंतरे की दूसरी लाइन स्थाई की दूसरी लाइन जैसी ही है। प्रेम पिया हम पावे, ग ग ग ग म प म ग म ग सा, प्रेम पिया हम पावे, ग ग ग ग म प म ग म ग सा। तो ये थी राग जोग में ताल तीन ताल में एक बड़ी प्यारी सी बंदिश। आशा करता हूँ आप इसको जरूर सीखेंगे, जरूर तैयार करेंगे। बहुत अच्छी बंदिश है, कहीं स्टेज पर प्रस्तुत करने जैसी बंदिश है। आप अवश्य इसको प्रस्तुत करना। इसके आगे थोड़ा आलाप और पीछे थोड़ी तान लगा के आप 10-15-20 मिनट की प्रस्तुति आसानी से तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह बंदिश आपको अच्छी भी लगी होंगी। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिएगा, आपको इस तरह के और भी ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। इस ट्यूटोरियल की लिंक को भी आप अपने फ्रेंड्स में जो बांसुरी और भी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं उसको भी फॉरवर्ड कीजिएगा, उनको भी इसमें से बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।